तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरीके से बोलना है। मैं अगर आज आप लोगों के साथ बातें करूं और मेरी बातें करने का जो टोन है वो अगर ठंडा ठंडा हो और ठंडा ठंडा कूल कूल हो तो क्या आपको सुनने में मजा आएगा? और क्या यही वाली बात मैं मेरे घर पर जाकर मेरे परिवार के बीच में करूं तो उन लोगों का हालत क्या होगा? वो मुझे भगा देंगे, भाई निकल। तो मेरा कहने का पर्पस ये है, घर पर बातचीत करने का तरीका अलग होता है, जब आप काम कर रहे हो काम करने के टाइम पर बातचीत करने का अलग होता है, जब जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आपको बातचीत करनी और वो आपको आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल जो आज मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, हर इंसान को बताया जाता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या बनना है उसका एक प्रेजेंटेशन आप तैयार करो और प्रेजेंट करो। जब आप कंपनी में काम करना शुरू करते हो ना तो पहला टास्क आपको ये मिलता है कि कंपनी को आप क्या करके दोगे उसको प्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट करो और हमें प्रेजेंट करो, तो वो आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर स्किल, बहुत लोगों का पंगा ये है वो प्रॉब्लम क्रिएटर, उसका नंबर ही मोबाइल में लोगों ने सेव किया है प्रॉब्लम के नाम से कि आनो फोन आई हो ना एटले हम जी जवाब आई हुई प्रॉब्लम आई हुई, तो हमें वहां पर अपना नाम नहीं लिखवाना है, हमें कहाँ लिखवाना है? प्रॉब्लम सॉल्वर। कि आपको कोई बंदा मिले या कोई पर्सन अगर आपको मिले तो उसको ये तसल्ली होनी चाहिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्रिएट नहीं होगा। मैनेजमेंट स्किल, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये भी है खुद काम करने में मास्टर है और फेल है लोगों से काम करवाने में। तो कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, खुद काम करने में मास्टर होते हैं लोगों से काम ले नहीं पाते हैं। एक राज की बात बता दूं, काम करने वाले को तनख्वाह 10,000 मिलती है और काम लेने वाले को तनख्वाह 1,00,000 मिलती है। कंडीशन अप्लाई ये है, काम लेने के पहले काम करना आना चाहिए, समझ रहे हो? चौथी चीज हो गई हैबिट। हैबिट के अंदर क्या होता है? अर्ली गेट अप इन मॉर्निंग। कितने लोग उठने वाले हैं मॉर्निंग में? रोज सुबह जल्दी बस पकड़नी पड़ेगी अगर कॉलेज तक पहुंचना है तो, नहीं तो चली जाएगी, फिर लीव मांगनी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है एक्सरसाइज करना, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ये आदत का पार्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया, आपका बॉडी फिट होना चाहिए। दूसरा, डेली रीड करना है अच्छी किताबों को, और वो अच्छी किताबें कौन सी है? अभी तो आपके लिए है कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है वो, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें बनी है। हर साल 10,000 से ज्यादा किताबें मार्केट में आती है, हर साल 10,000 से ज्यादा किताबें मार्केट में आती है। कंडीशन ये है आप पढ़ते कितनी हो, तो जो जितनी पढ़ाई करेगा जो जितना नॉलेज लेगा वो उतना ग्रो करेगा। फिर आता है हेल्दी ईट, अच्छा खाना। फास्ट फूड भी खाना ही है और घर पर जो दाल चावल रोटी मिलती है वो भी खाना ही है, लेकिन आज अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो तो समझना आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम है जो बीमारी है उसका वेलकम कर रहे हो, जो 30 साल 40 साल के बाद आपको आनी ही आनी है। और आज अगर उसके ऊपर ब्रेक लगाया और ऑर्गेनिक खाना अगर आप खा रहे हो घर का, तो वो आपको हेल्थ को अच्छा रखेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आता है रिस्पेक्ट फॉर ऑल। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं? हेलो, पीछे मजा आ रहा है? हेलो, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं रिस्पेक्ट, कि कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, कोई मुझे मान सम्मान दे? तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो सबसे पहले आपको मान सम्मान देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो देता है ना वो लेने के काबिल बनता है। तो पहले देना आना चाहिए फिर आपको मिलेगा।
डोंट वेस्ट योर टाइम। आज के बाद इस हॉल के बाहर जाने से पहले अपने आप को कमिटमेंट दे देना, कोई भी बंदा या बंदी अपने आप को ऐसा बोलेगा नहीं कि आज अगर मैं मेरी दुनिया में अगर कामयाब नहीं हुआ उसकी वजह एक्स वाई जेड थी। क्यों? उसका एक रीजन मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट देने जा रहा हूं। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन लोगों के लिए ऊपर वाले ने टाइम कितना दिया है? दिन का। और जितने भी लोग नाकामयाब हुए उनके लिए भी टाइम कितना दिया है? मतलब ऊपर वाले ने सबको एक समान मौका दिया है। अब चॉइस आपके हाथ में है, वो 24 घंटे में आप करते क्या हो उससे आप अपना फ्यूचर बनाओगे। क्योंकि किसी ने कहा है रोज किए गए काम से या तो आप बेहतर बनते जा रहे हो या तो आप बदतर बनते जा रहे हो। बेहतर बनना आपके हाथ में है और बदतर बनना भी आपके हाथ में, चॉइस आपके हाथ में। फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोगों का होता है, लेस फोन यूज। रील देखते 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 अपनी जिंदगी रील वाली हो गई है और रियल वाली जिंदगी को हम भूल गए। तो मोबाइल बनाने वाले पर्सन और मोबाइल के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाले पर्सन का इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू के अंदर उनको क्वेश्चन किया गया कि आज अगर आप अपने पेरेंटिंग के अंदर अपने बच्चे को कौन सी चीज़ देने को आप मना करोगे। उन्होंने बोला मैं एप्पल का फ़ोन नहीं दूंगा मेरे बेटे को, जो बनाने वाला वो खुद है। तो याद रखना, सोशल मीडिया या मोबाइल फोन अच्छे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और बुरे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस दोनों आपके हाथ में। और एटलीस्ट आपका मोबाइल इस तरीके का होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स कभी भी मांगे तो आप दे सको बिंदास होके। उतना ऑनेस्ट आपको अपने आप को लेकर चलना है। सेल्फ मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक इंसान को अगर कामयाब बनाता है वो बनाता है डिसिप्लिन। कुछ लोगों को मजा आ रहा है और कुछ लोग अभी तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजाने का मतलब मुझे भी पता है, मैं भी बहुत बजाया करता था। तो टेंशन ना लेना, बजाना हो तो दिल खोल के बजा लो। उसके बाद होता है हेल्प अदर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। वो ऑलवेज यही चीज देखते हैं, यहां अगर मैं बैठा हूं मेरा फायदा क्या, इसके साथ अगर मैं दोस्ती कर रहा हूं मेरा फायदा क्या। तो याद रखना, ज्यादातर लोग जो अपना फायदा देखने के अंदर रह जाते हैं ना, वो ऑलवेज नुकसान में रहते हैं। आज के बाद अगर आपको चाहिए कि आपको किसी की मदद लेनी हो तो पहले एक ऐसा इंसान बनो कि लोगों की मदद करनी आप शुरू करो। क्योंकि हेल्प अदर, लोगों को मदद करोगे तो लोगों को जिम्मेदार बना दोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आपकी मदद में आएगा। सो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और हैबिट। ये सारी चीजें जब इकट्ठा होती है तब एक इंसान क्या बनता है? कामयाब, सक्सेसफुल। अब यहां पर रेशियो बताया गया है कि अगर आपके पास नॉलेज 100% है, स्किल 100% है, एटीट्यूड 100 है, लेकिन हैबिट, तो क्या आएगा रिजल्ट? अगर आपके पास नॉलेज 100% है, स्किल 100% है, एटीट्यूड 0 है और हैबिट 100% है, तो आंसर क्या आएगा? अगर आपका नॉलेज 100% है, स्किल 0 है, एटीट्यूड 100 है, हैबिट 100 है, तो क्या आएगा रिजल्ट? और आपका नॉलेज ही 0 है और बाकी सारी चीजें 100% है, तभी परिणाम क्या आएगा? तो अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो नॉलेज कितना परसेंट होना चाहिए, एटीट्यूड कितना परसेंट होना चाहिए, स्किल कितना परसेंट होना चाहिए और आदत कितना परसेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें जब 100% होगी आप कामयाब हो गए, उसका 1000% की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि आप कामयाब हो गए होगे। अगर ये सारी चीजें 100% होगी तो इसके ऊपर हमें काम करना है। क्लियर?